आज हजरतगंज जीपीओ पर कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं ने महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हमारे बीच मौजूद हैं दीपक सिंह साहब, हमसे बात कर लेते हैं, ये प्रदर्शन किस तरह का था? जिस तरह से सरकार अपने हर मुद्दों पर फेल है, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बेवजह लाठियां पड़ रही हैं, जनता को पीटा जा रहा है, भीड़ जो भीड़ भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम कर रही है, भीड़ जनता को पीट रही है, तो उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सरकार को चेताने के लिए सुद्धि बुद्धि का पाठ किया था। अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार अपने कामों का हिसाब नहीं देती है, दलितों पर, महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं बंद होते हैं, तो आगे चल के सरकार सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी करेगी। क्या लगता है आपको, सरकार के खिलाफ तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन उसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, क्या कारण है इसका? सरकारें सुना था अहंकारी होती हैं, लेकिन ये सरकार महाअहंकारी हो गई है। लगता ही नहीं है इनको, जैसे इन्होंने सोच रखा है, सत्ता में इनका नाम लिखा है, लेकिन आपने देखा होगा इतिहास में इससे बड़ी बड़ी अहंकारी सरकारें गई हैं। कांग्रेस को हमेशा जनता हटाती जरूर है, लेकिन जब दोबारा वापस करती है, इतिहास गवाही है, वो बहुत ही दल बल प्रचंड बहुमत से वापस होती है। 2019 में सरकार की वापसी इस बात का संकेत दे देगी कि सरकार की निरंकुशता, सरकार की नाकामियां सरकार के लिए नुकसानदायक हुई है। कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? आज हमने चेताया है, अगर नहीं चेतेंगे तो जो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, इनके पोस्टर को लगाकर इनको आईना दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के MLC दीपक सिंह साहब हमारे बीच मौजूद थे, उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर और महंगाई को लेकर दोनों सरकारें पूरी तरह फेल होती दिख रही हैं, इसके लिए वो आगे भी अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। कैमरामैन शाहिद रिजवी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।